Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 14th of November 2023. First news hai, firecracker ban flouted, Delhi air quality worsens day after Diwali, triggers a BJP blame game. तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था एंड वर्डिक्ट ये था कि जो फायर क्रैकर्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया जा रहा है नॉट जस्ट इन दिल्ली बट थ्रू द होल नेशन. लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि दिल्ली पर बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर्स को बर्न किया गया एंड ये जो भी बैन था इसको फ्लाउट किया गया और जिसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली एयर क्वालिटी वर्सन हो चुकी है, सीवियर कैटेगरी में जा चुकी है. जो रेन की वजह से इम्प्रूव हुई थी ये वापस ख़राब हो गई है. तो विद द फायर क्रैकर बैन बीइंग फ्लाउटेड अक्रॉस द सिटी ऑन संडे नाइट एंड द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द रीसेंट रेनफॉल वेयरिंग ऑफ दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 403 पहुंच गया था सीवियर कैटेगरी में. नेक्स्ट है, डे लेटर रेस्क्यू वर्क ऑन S40 स्टिल ट्रैप्ड इन उत्तरकाशी टनल. तो उत्तरकाशी टनल में एक पार्ट है जो कि कोलैप्स हो गया है जिसकी वजह से वहाँ पर वर्कर्स फंस गए हैं. तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वही यहाँ पर न्यूज़ है. टॉक्स ऑन इन आर्म्ड फोर्सेज ऑन पॉसिबल एंट्री ऑफ ट्रांसजेंडर स्टडी ग्रुप फॉर्म्ड. तो 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भी ट्रांसजेंडर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनका मार्जिनलाइजेशन नहीं होने देंगे, उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे. लेकिन आर्म्ड फोर्सेज अभी भी ट्रांसजेंडर्स या जो लोग खुद को होमोसेक्सुअल्स की तरह आइडेंटिफाई करते हैं उनको रिक्रूट नहीं करती है. तो क्या आर्म्ड फोर्सेज को रिक्रूट करना चाहिए ट्रांसजेंडर्स को या होमोसेक्सुअल्स को, उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है. The Indian Armed Forces are looking at possible employment opportunities for transgenders and the roles they could perform while examining the Transgender Persons Act of 2019. And इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. दिल्ली के बारे में न्यूज़ है, रेसिडेंट्स टेक टू स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट डिमोलिशन ऑर्डर्स. क्योंकि इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है और जिसकी वजह से यहाँ पर डिमोलिशन का ऑर्डर दिए गए, लेकिन लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर तो बहुत सालों से रह रहे हैं. PM to launch ₹24,000 crore scheme for vulnerable tribal groups tomorrow. तो PVTGs के लिए यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है 24,000 crore की स्कीम. अब ये जो स्कीम्स लॉन्च की जा रही है ये लॉन्च की जा रही है स्पेशली फॉर PVTGs. तो PVTGs इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आई रिमेंबर प्रिलिम्स में इसमें शायद एक क्वेश्चन आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2019 का क्वेश्चन था. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च अ ₹24,000 crore स्कीम एम्ड एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ PVTGs. द PVTGs ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. अगर बाकी हम ट्राइबल ग्रुप से बात करें, इनका डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है, आइसोलेशन में रहते हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ ये शाय करते हैं कॉन्टैक्ट रखने में एंड जो कॉन्टैक्ट बहुत कमी रखते हैं किसी और कम्युनिटी के साथ. तो ये जो 24,000 crore की स्कीम लॉन्च की जा रही है ये इसीलिए लॉन्च की जा रही है कि बाकी सारी स्कीम्स का सेचुरेशन हो सके PVTGs में. फॉर एग्जाम्पल ये जो लोग हैं यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना पहुँच सके, बाकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पहुँच सके, सिकल सेल डिजीज एलिमिनेशन हो सके, टीबी एलिमिनेशन हो सके. 75 PVTGs हैं जो कि 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं. तो एक स्टेटमेंट तो यही था कि 75 PVTGs कितने हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम. तो ये UPSC एनालाइजर IAS का इनिशिएटिव है. इसमें तीन पार्ट्स हैं एक्चुअली. करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस और इसमें कवर किया जाएगा 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023. प्रिलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें प्रिलिम्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, प्लस यू विल गेट 10 एबिलिटीज फॉर प्रैक्टिस एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा. बाकी यहाँ पर प्राइस मेंशन है, आप पेमेंट कर सकते हो वाया UPI टू द गिवन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर डिटेल्स टू द गिवन email ID. तो अगर आपको ज्वाइन करना आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो. अब बॉन्ड ऑफ सीक्रेसी. तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो भी हियरिंग हुई वो हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि जो सिटीज़न है उसके पास राइट टू नो है नहीं और जो यहाँ पर डोनर है उसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑथर जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका ये कहना है कि ठीक है ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा मिलता है या जो भी यहाँ पर डोनर पैसा डोनेट कर रहा है तो इनको टैक्स एग्जेम्पशन क्यों मिल रहा है जिस बारे में सिटीज़न को पता ही नहीं है और आप यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हो. द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉन्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, इसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरीके से इसमें ओपेकनेस है इसको क्वेश्चन किया जाता है. दैट पॉलिटिकल पार्टीज हैव देमसेल्व्स स्टेडफास्टली. जब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को RTI में इंक्लूड करने की बात करते हैं तो पार्टीज हैं ये इसको रिजेक्ट करते हैं कि हमको नहीं आना RTI में. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू हैड कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स. लेकिन कुछ टाइम पहले से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कह रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक तो है.
Will it see if tax exemption without full disclosure is fair public policy? और क्या ऐसा tax exemption दिया जा सकता है? There is merit in the argument that an electoral bond एक authorized instrument है जो कि एक alternative present करता है cash का. तो यहाँ पर confidentiality होनी चाहिए donor के पास. ठीक है, चलो मान लिए बात. अब यहाँ पर author का ये कहना है कि अगर किसी organization को tax exemption claim करना है and वो organization orthopedically challenged लोगों के लिए काम कर रही है, तो उस organization को दिखाना पड़ेगा कि ये जो proceeds है ना, उसने इन ऑर्थोपेडिकली चैलेंज लोगों के लिए ही यूज़ किया है, तभी वो टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है. लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताएं तो इन्हें तो कुछ नहीं बताना पड़ रहा, उसके बाद भी ये टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर पा रहे हैं. तो सिटीजन को तो कुछ नहीं पता है ना किसने कितना पैसा दिया. For example, if the limit on candidate expense for a parliament election is say rupees 95 lakh, the political party fielding the candidate may be allowed to spend no more than say 50% of total. यहाँ पर मान लो 425 करोड़ का खर्चा हुआ, लेकिन citizen को तो नहीं पता है. If the proposed periodic audit by a CAC appointed firm conducted every 5 years were to show कि जो पार्टी है ये टैक्स exempt इनकम को नहीं खर्च कर पाई है, तो यहाँ पर टैक्स exemption नहीं मिलना चाहिए. फिर author का ये भी point है कि आप टैक्स exemption दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये हमेशा सस्टेन करती रहे. तो जैसे क्लाइमेट चेंज को सस्टेन करने के लिए पैसा दिया जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये ख़त्म हो, इन्वायरमेंटलिज्म को लेकर लोग काम करते हैं तो उनको टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है. तो वैसे ही लोग अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. तो बहुत सारे कंट्रीज है इन विच पीपल प्राउडली एंड ओपनली क्लेम टू प्रोवाइड डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा कॉज है, क्लाइमेट चेंज की तरह ही, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की तरह ही, कि अगर डेमोक्रेसी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. नेक्स्ट है अफॉर्मिंग प्रायोरिटीज. तो 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया एंड यूएस के बीच में, तो वहाँ पर यही बात की गई कि जो हमास ने किया वो गलत है, लेकिन जो इसराइल यहाँ पर वॉर कर रहा है तो यहाँ पर भी ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस होने चाहिए, एंड जो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं उसके साथ स्टिक करने की ज़रूरत है. तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई. अब यहाँ पर दो इंस्टांसेस की बात की गई. फॉर एग्जांपल, जब जॉर्डन एक प्रपोजल लेकर आया था कि सीज़ फायर होना चाहिए, तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया था. फिर रिसेंटली एक प्रपोजल आया था UNGA में, एंड उस प्रपोजल में ये कहा गया था कि जो इसराइल ने पैलेस्टीन की ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रखा है ये गलत है. तो इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया कि हाँ, इसराइल ने जो कर रखा है पैलेस्टीनियन एरिया में, फॉर एग्जांपल वेस्ट बैंक एरिया में अपने नागरिक जाकर बसा दिए, तो ये गलत किया है. The 2+2 meeting over the last few years become the principal vehicle to review and advance the India-US strategic partnership and बाकी यहाँ पर engagement को बढ़ाना है, industrial collaboration करना है, India-US को counter-terrorism operations करने हैं, regional security के ऊपर focus करना है. बाकी दोनों countries I2U2 का भी part हैं, quad का part हैं. तो I2U2 के अगर आपको members पता है, then please tell me in the comment section. And I2U2 के ऊपर एक बार question आ चुका है mains में, with a little help from the sun. तो यहाँ पर mini grids की बात की है कि mini grids कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आता है वो एक्चुअली लार्ज ग्रिड सोलर एनर्जी के लिए आता है. मिनी ग्रिड्स के ऊपर उतना फोकस है ही नहीं, लेकिन अगर मिनी ग्रिड्स के ऊपर फोकस होगा तो जो एनर्जी पावर्टी है ये हम ख़त्म कर सकते हैं. तो देयर इज़ अ प्राइवेट सेक्टर लेड रिवॉल्यूशन अंडर वे टू लिफ्ट 500 million पीपल आउट ऑफ एनर्जी पॉवर्टी. ट्रांसफॉर्मेशन इज थैंक्स टू क्लीन एनर्जी मिनी ग्रिड्स जो कि रूरल कम्युनिटी में आ रहे हैं, अफ्रीका में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जिसने रिसेंटली टारगेट सेट किया है कि हमें 1000 मिनी ग्रिड्स नाइजीरिया में फंड करनी है, वेयर ओवर 90 million पीपल जो लोग हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड सोलर मिनी ग्रिड्स. ये इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वे है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये पहली बार इन 75% लोगों तक पहुंचाई जा सके. तो मिनी ग्रिड्स के जरिए हम एनर्जी पॉवर्टी को सॉल्व कर सकते हैं, एंड मिनी ग्रिड्स और भी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती है. फॉर एग्जांपल, मोबाइल टेलीफोनी, इरीगेशन, एग्रो प्रोसेसिंग, ई मोबिलिटी, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम जैसे कि सोलर मिनी ग्रिड्स, ये इमर्जिंग है और ये इंपॉर्टेंट आंसर भी है क्लाइमेट शॉक्स को लेकर. तो अगर हमें यहाँ पर डीकार्बोनाइजेशन करना है तो हमें मिनी ग्रिड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड ग्रिड के लिए आता है, मिनी ग्रिड्स के लिए उतना नहीं आता है. एंड ये जो मिनी ग्रिड्स होते हैं इनको अल्टीमेटली आप एक सेंट्रलाइज्ड ग्रिड से कनेक्ट कर देते हो, या तो नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर देते हो. इंडिया में भी 700 सोलर मिनी ग्रिड्स है. तो एक्चुअली यहाँ पर पूरे आर्टिकल में मिनी ग्रिड्स की तारीफ की गई है कि मिनी ग्रिड से हम कैसे डीकार्बोनाइजेशन कर सकते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हो उनको हम एम्पावर कर सकते हैं. दिस ग्लेयरिंग डिस्पैरिटी कंपाउंडेड बाय अ बायस टुवर्ड्स लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिनी ग्रिड्स होते हैं उनको फंडिंग नहीं मिलती है. लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी. ये जो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है ये स्पेशल इम्फेसिस डाल रहा है अफ्रीका में जो अंडर सर्व्ड रीजन हैं उनकी एनर्जी पॉवर्टी को दूर करना है. तो प्राइवेट मिनी ग्रिड्स अगर इनको कंबाइन कर लो सोलर विद बैटरी स्टोरेज एंड थोड़ा बहुत स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, थोड़ा बहुत और सपोर्ट मिल जाए, तो जो हमारी अर्जेंट एनर्जी एक्सेस की नीड है इसको फुलफिल किया जा सकता है.
इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन US अब 63% एंड हमने चाइना को ओवरटेक कर दिया है. तो नंबर ऑफ इंडियंस जो कि परस्यू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन द US इंक्रीज्ड 63% टू 1.65 लाख इन एकेडमिक ईयर एंड हमने चाइना को ओवरटेक कर दिया है, ये बताया गया है. ठीक है, आगे चलते हैं. डिसीजन 2023 में 5 स्टेट्स में इलेक्शन उसके बारे में है. बाकी यहाँ पर जो PM ऋषि सुनक हैं इन्होंने अपनी इंटीरियर मिनिस्टर को सैक कर दिया है क्योंकि कैबिनेट रीशफल हुआ. अब ये बताया गया क्यों सैक कर दिया, इन्होंने पैलेस्टीनियंस के बारे में क्या बोला था, ये सब कुछ पॉलिटिकल है एंड इंडिया की भी पॉलिटिक्स नहीं है, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स है, तो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. ईजिंग वीट राइजिंग राइस, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वीट की प्रोडक्शन तो हुई एंड यहाँ पर जो रशिया है इसने वर्ल्ड मार्केट को फ्लड कर दिया चीप वीट से, जिसकी वजह से यहाँ पर वीट के प्राइजेस सॉफ्टन हो गए. अब राइस के प्राइजेस क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि राइस का इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एंड इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो राइस है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो यही यहाँ पर बताया गया है कि द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ एक्शंस टेकन बाय लार्ज एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्री कमोडिटीज, उसकी वजह से किसी के प्राइस बढ़ जाते हैं एंड किसी के प्राइस यहाँ पर कम हो जाते हैं. यहाँ पर GPS एंकरेज की बात की गई, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा इस पर्सन के पैर में यहाँ पर GPS ट्रैकर लगाया जा रहा है. तो क्यों लगाया जा रहा है, अब इसके ऊपर UAPA लगा हुआ है लेकिन इसको बाहर रखा जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ये चला ना जाए, तो जहाँ पर भी ये जाए इसको ट्रैक किया जा सके उसके लिए इसको GPS ट्रैकर लगाया जा रहा है. तो क्या हम प्रिजन्स को डीकंजेस्ट करने के लिए GPS एंकलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है. तो अर्लियर दिस मंथ अ प्रिजनर इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर ही वॉज टास्क्ड विद अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकिंग डिवाइस, कि उसके मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके. GPS ट्रैकर क्या होता है, एक वेरिएबल डिवाइस होता है GPS कॉलर्स की तरह एंड आसानी से आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्सन कहाँ पर है. तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये इस पर्सन के मूवमेंट को रियल टाइम में देख सकती हैं. डिवाइस टेंपर प्रूफ है, इसको रिमूव नहीं कर सकते विदाउट डैमेजिंग इट एंड इट कैन बी पुट ऑन द एंकल और आर्म ऑफ ए पर्सन, जैसे कि GPS एंकलेट्स होते हैं, GPS ब्रेसलेट्स होते हैं. तो क्या GPS एंकलेट का यूज़ करना सही है, तो कोर्ट ने इसके यूज़ को सैंक्शन कर रखा है. ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का ये कहना है कि ये गलत है क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन नहीं है. वंस अपॉन अ टाइम अ प्लान टू जॉइन रेड सी विद द मेडिटेरेनियन थ्रू इसराइल, तो अगर हम रेड सी को ज्वाइन करेंगे थ्रू मेडिटेरेनियन बाय इसराइल तो हमें स्विस कैनाल का एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा. आज अगर हमें स्विस कैनाल का एक अल्टरनेटिव मिल जाएगा तो जो यूरोप से एशिया जाने की दूरी है ये वैसे भी स्विस कैनाल जो है ये कम करता है 41% से, तो हमें एक और रास्ता मिल जाएगा. तो जो यहाँ पर इजिप्ट की मोनोपोली है ना ओवर स्विस कैनाल, ये यहाँ पर कम हो जाएगी. लेकिन ये प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मिडिल ईस्ट में कभी भी हमें शांति दिखी ही नहीं. तो इट हैज़ बीन स्पेकुलेटेड दैट वन ऑफ द रीजंस की जो इसराइल का डिज़ायर है कि हमास को एलिमिनेट करके गाजा स्ट्रिप के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लो, उसका एक रीज़न ये है कि एक कैनल बनाने का पहले एनविजन किया गया था बहुत पहले 1980s के अराउंड, कि जो इसराइल का नेगेव डेजर्ट है फ्रॉम द टिप ऑफ द गल्फ ऑफ अकाबा वहाँ से टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट यहाँ पर एक कैनल बनाई जाएगी जो कि इजिप्ट कंट्रोल स्विस कैनल का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगी. सेलियंस ऑफ द स्विस, तो ये 1869 में शुरू किया गया था जिसकी वजह से जो मैरीटाइम रूट है ये पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज हो गया था. यूरोप एंड एशिया के बीच की दूरी जो है ये 4,450 किलोमीटर कम हो गई थी. द कैनल इज क्रिटिकल टू द इकोनॉमी ऑफ द इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट ही सारा यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करता है. और ये बताया गया कि 2021 में जब ये स्विस कैनल में एक जो शिप थी, एक कार्गो शिप थी, ये स्टक हो जाती है जिसकी वजह से जो पैसेज है पूरा ब्लॉक हो जाता है एक हफ्ते के लिए. यहाँ पर पैडी स्ट्रॉ की बात की गई, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इंडिया एंड जो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है मनीला बेस्ड फिलीपींस बेस्ड, तो इन्होंने यहाँ पर हमें लोन दिया है हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इंडिया में. वर्ल्ड पेज पर हम एक दो न्यूज़ देख लेते हैं. तो बाइडेन कतर ने डिस्कस किया गाजा के सिचुएशन को एंड दोनों ही कंट्रीज़ ने ये अग्री किया कि सबसे पहले होस्टेजेस को रिलीज़ किया जाना चाहिए बाय द हमास, उसके बाद ही यहाँ पर सीज़ फायर की उम्मीद की जा सकती है. नेपाल ने यहाँ पर टिकटॉक बैन कर दिया क्योंकि नेपाल का ये कहना है ये सोशल हार्मनी के अगेंस्ट जा रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको बैन कर दिया. ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी न्यूज़ तो आप इसको बाय कर सकते हो. ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़. इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, आप अपना फीडबैक बता सकते हो. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.